नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की सेना। स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। और बताइए आप लोग कैसे हैं। सुपर 30 सीरीज का ये है, चल रहा है प्रोग्राम, और यहाँ पर आपको करंट अफेयर विजय प्रताप, सुमित, तनिष्क एंड यशवी एंड राजवीर, करंट अफेयर की क्लास आज आपको मिलेगी। और करंट अफेयर के कुछ अच्छे बेहतरीन प्रश्नों का यहाँ पर किया गया है संकलन, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। 23 जून की आज तिथि है, आपने देखा होगा 21 जून को योगा दिवस भी मनाया गया था। जतिन रावलो, हेलो, जय हिंद। क्लास में जितने भी लोग आ सकते हैं आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। विशाल राजपूत, एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। करंट अफेयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आज के सेशन में शिवास, सुर्यम, सुमन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुद्ध हिंदी में, यस, आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को समर्पित है, जिसमें हम समसामयिक की घटनाक्रमों के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। अब और ज़्यादा मज़ा आएगा। सुमित पांडे, है ना, आते जाइए बच्चों। अभी शुरू भी नहीं हुआ है सेशन, एंड सेशन की शुरुआत होने वाली है, और आप लोग क्लास में पहले से बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। आज के सेशन में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। सर आज मैंने डीपी अपने अंकल का लगाया। वाह वाह, वेरी गुड। नीरज कैसे हैं? नीरज क्या हाल चाल है सभी का? शुरू किया जाए। देखिए, करेंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे सेक्शंस को लेके होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर में पहली बार जो है हमने जो है यूट्यूब पर भी हमारा ये हो रहा है लाइव स्ट्रीमिंग। यूट्यूब वॉरियर्स जो है, अनअकैडमी वॉरियर्स का चैनल जो है उस पर चल रहा है, और जो भी बच्चे अनअकैडमी वॉरियर्स पर आएँ वो वहाँ पर जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से आप आ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर भी, ठीक है ना। वहाँ से इधर लिंक पर भी आ सकते हैं, जो हमारा लिंक मिलेगा आपको वहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं, और डायरेक्ट आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा 4-5 सेकंड का अंतर रहता है। सुमित पांडे, वॉरियर्स का जो क्लब है वो अलग क्लब है, ये अलग है। मेरा PDF क्लास के बाद डाउनलोड हो जाता है यहीं पर। क्लास के बाद मेरे सबसे पहले तो मेरी प्रोफाइल को सब लोग फॉलो करिए, फॉलो माय प्रोफाइल, वहीं से मिलेगा सब कुछ, है ना। सर नहीं होता है? होता है, फिर आपका या तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगी। क्लास के बाद आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करिए, जो लोग भी हैं। चलिए मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है, और करंट अफेयर के इस क्लास में अगर आपको और प्लस कोर्सेज करने हैं तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं विद दिस रेफरल कोड। इस रेफरल कोड यानी सुनील डॉट गुप्ता को यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, 10% की छूट मिलती है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करिए, कुछ भी करिए क्लास के बाद। देखिए, एयरफोर्स का लक्ष्य एयरफोर्स बैच कल से शुरू हुआ है, 22 तारीख से, आज 23 है, दूसरी क्लास केवल हुई थी। तो इसमें जो है फिजिक्स रामस्वरूप सर पढ़ा रहे हैं, मैंक सर पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स एक्स के लिए, और विनिया मैडम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, सुमित सर पढ़ा रहे हैं आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी यानी अरिथमेटिक का, और मैं पढ़ा रहा हूँ GS का क्लास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा पूरा बैच है। देखिए, जनरल स्टडीज़ का मैं पढ़ाऊँगा, 60 मिनट का क्लास है। हाँ, आप भी सुमित हैं, ओके। देखिए, प्लस कोर्स मेरे चल रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का 7:35 पर, और इंडियन ज्योग्राफी का 6 PM पर। क्लास कोर्सेज लगातार चल रहे हैं, डेली क्लास चल रही है। जय हिंद, जय भारत,
चले पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, आप इस टफ क्वेश्चन को भी बढ़िया से आंसर कर सकते हैं। पीएम केयर्स फंड के बारे में, पीएम केयर्स फंड जो है प्रधानमंत्री ने बनाया है ये फंड स्पेशली कोरोना के क्राइसिस के समय में, ठीक है ना। पीएम केयर्स फंड हैज नॉट गॉट एग्जेम्प्टेड अंडर द एफसीआरए, और फॉरेन करेंसी रिजर्व वाला है, दस कैन नॉट रिसीव फॉरेन डोनेशंस, पहला पॉइंट है। दूसरा है डोनेशन टू पीएम केयर्स, आप आंसर बताइएगा, मैं इसका आंसर मैं बताऊंगा। और आरटीआई अधिनियम के दायरे में, आरटीआई एक्ट के, कौन सा सही है, 1213, 23 या 123, चलिए आंसर कर दिए। पहला क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके पास आ गया है बच्चों। करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल गए, वो नॉर्मल नहीं मिलते हैं कि एक लाइन का बना दिया, एक लाइन का बता दिया। जो भी हमारे बच्चे यहाँ पर यूट्यूब पर भी हैं वो लोग भी आंसर करिए, आप अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा मिलेगा बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं करवाता हूँ। जतिन रावल मेरी बिरोंग, आज कितना क्वेश्चन, 27 क्वेश्चंस इन ऑल। देखिए पहले क्वेश्चन के बाद अक्षय नंबर वन पर, पहला गलत। देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, पीएम केयर्स को जो है फॉरेन डोनेशंस भी मिल सकते हैं, ये याद रखिए, पीएम केयर्स में फॉरेन डोनेशन भी आता है, एफआईआई एफपीआई वगैरह सब छूट कर दिया गया है। हेलो अंश श्रुति एंड, चलिए देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है ऊपर में पांच ऑप्शन आ गए हैं, ये पांचवा ऑप्शन काट दीजिएगा, ये ऑप्शन ए बी सी डी से ही बताना है। चलिए यूट्यूब वाले अभी तक एक भी आंसर नहीं दिए हैं भाई, आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। डन, वेरी गुड, 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करिए। और जो लोग भी यहां पर आते हैं यूट्यूब पर, नीचे लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप अनएकेडमी के ऐप पर आ सकते हैं। राहुल रिपोर्टिंग, हेलो राहुल कैसे हो, कितने लोग आंसर कर रहे हैं देख लो, फिर गलत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रिया शर्मा ने दोनों सही किया और नंबर वन पर हैं। अगला देखिए, उर्जित आर पटेल हैं, उर्जित पटेल हैं, देखिए कुटबक बोरनोव किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन का, यहाँ पर देखिएगा क्या आ गया, उर्जित पटेल का फोटो, मैं बढ़िया हूँ भाई, उर्जित पटेल की फोटो भी आ गई। कुटबाप कुबाटाब बोरनोव किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, बताइए आंसर करिए। यहाँ पर अभी प्रॉब्लम हुई थी लास्ट क्लासेस में, मैंने इसको डिस्कस भी किया था, प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी किया गया था, है ना बच्चों, यस आंसर करिए। यहाँ पर जो हमारे यूट्यूब पर बच्चे हैं वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं, या तो दिक्कत है या तो कर नहीं पा रहे हैं। ये किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, ये हैं किर्गिस्तान के। क्वेश्चन का टाइम अप, 67% लोगों ने सही दिया, इनका भी फोटो आ गया होगा मुझे लग रहा है, इनका भी फोटो आ गया, हमारे बच्चे इतना इतना बढ़िया से कर रहे हैं काम। यस आप टाइम पर नहीं है, लेट हैं, वर्णिका एंडिया माला अभिषेक ऋषभ, आप लोग दो तीन क्वेश्चन पीछे हैं, दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी, किस आईआईटी ने किसानों की मदद के लिए हर्बल इन्फ्यूजन टेक्निक डेवलप किया है, इसका आंसर करिए। दिस क्वेश्चन इज टू आंसर्ड बाय यू, यहां पर बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं।
करंट अफेयर का क्वेश्चन चल रहा है, ऐसे नहीं आंसर करना है लक्ष्मण, नो यू डोंट हैव एनी राइट, ब्लॉक कर दिया जाएगा, यूट्यूब वालों को आता नहीं होगा, नहीं प्रणव ऐसा नहीं है बच्चों, बी नहीं होगा, आईआईटी मंडी ने किया है रिसेंटली, बी नहीं होगा बेटा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 ईयर्स, लास्ट 8 ईयर्स में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने किस देश की जीडीपी को नेगेटिव ग्रोथ प्रोजेक्ट कर लिया है, विच कंट्री, आंसर करिए, 14 साल का वनवास, यस, 8 सालों में, शार्दुल ले लो, शार्दुल कैसे हो बेटा, क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है ना, हाउ इज द जोश कैंडिडेट्स कैडेट्स, हाय सर, वेरी गुड, फ्रंट पे रहते तब मजा आता है, फ्रंट मतलब युद्ध के मैदान नहीं, सामने सामने, जीडीपी नेगेटिव रैंकिंग्स, जीडीपी ग्रोथ को जो है नेगेटिव करने की रेटिंग बनाती है, इसके आंसर ने तो हिला दिया, वाह राजवीर, भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लीडर बोर्ड इसके बाद आएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, सिप्री ईयर बुक रिपोर्ट आई है 2020 की, आर्मेंट्स डिसआर्मेंट एंड इंटरनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, इसमें जो है ये बताया गया है कि बहुत सारी जो है न्यूक्लियर वेपन्स बन गई हैं इंडिया और चाइना में, सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका फुल फॉर्म भी अभी बताया जाएगा, सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विक्रांत यश पाटिल प्रकुल बागची, हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग, करंट अफेयर की क्लास कैसी लग रही है, एमसीक्यू सेशन आपको बहुत पसंद आता है आई थिंक, ऑल ऑफ यू लाइक एमसीक्यू सेशन, प्रकुल बागची है ना, आप सभी वहां से यहां आ रहे हैं, कितने लोग यूट्यूब से इधर आए बताइए, थैंक यू विशाल, हाँ जी लक्ष्मण आप आए हैं, ओके चलिए, ये है इसका आंसर, और ये देखिए आप लोगों का रैंकिंग, थैंक यू राजवीर, आपका सहयोग बहुत मिलता है मुझे पता है, स्टॉक होम में है, देखिए आंसर डी है, सिप्री ईयरबुक 2020 की रिपोर्ट आई है, सिप्री का फुल फॉर्म देखिए, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यहां से इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यही बहुत हो जाएगा, हेडक्वार्टर सिप्री का स्टॉकहोम में ही है, स्टॉकहोम कहां की कंट्री की कैपिटल है, तमन्ना, हेलो स्वागतम, आप अपना तो घर ही अनअकैडमी, यस सोनाली, यस स्वीडन की कैपिटल है, अभी अनअकैडमी के वॉरियर्स चैनल पर ये यूट्यूब पर लगातार लाइव भी जा रहा है, लाइव भी जा रहा है बच्चों, विच इंडियन कंपनी पार्टनर्ड विद अमेजन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म एंड साइन द क्लाइमेट प्लेज टू बिकम नेट जीरो कार्बन, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन डाला गया है, जानबूझ के डाला गया है कि कितने लोग पढ़ते हैं और उनको पता है, जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान की सेना, मिग्रेल सानी एयरफोर्स लवर नमस्कार जी, क्या हालचाल है आपके, पोल आ गया भाई, हेलो विक्रांत, सभी का मैं ख्याल रखता हूँ, आप लोग ख्याल नहीं रखते, मेरा ख्याल कैसे रखा जाएगा बताओ, मेरा ख्याल कैसे रखा जाएगा बच्चों, ये आंसर आ तो रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा था, दे रहे हैं, मेरा ख्याल कैसे रखा जाएगा, आंसर देकर और मेरे प्रोफाइल को फॉलो करके, अगर आपके पास कोई डेडिकेशन है वो दे के, टोपी पहना के, हाँ जी नितिन यादव, इन्फोसिस, यस इन्फोसिस इसका आंसर है, ये अनअकैडमी आपके लिए तो जान हाजिर है सर, मांगना मत, वाह क्या बात है,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अमेजन और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म ने जेफ बेसोस हैं, कौन है अमेजन के, अमेजन के सीईओ एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर जेफ बेजोस, ये कुछ दिन के लिए क्या हो गए थे, वर्ल्ड के सबसे धनी व्यक्ति हो गए थे। आप इंफोसिस में काम भी करते, वाह अक्षय, देखिए ऐसे ऐसे हमारे टैलेंटेड पर्सन हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप, विच कंट्री हैंड्स ओवर फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 वेंटिलेटर्स टू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, किस देश से आया है, आपको इसका आंसर बताना है, बताइएगा भाई। आठवें क्वेश्चन का आंसर आंसर करिए, ये है आपके पास ओपोल। जो लोग भी हैं बच्चे आंसर करिए, और ये YouTube वाले बच्चे यहाँ नीचे लिंक से आप आ सकते हैं मेरे सीधे क्लास में, है ना बच्चों। जतिन मार्वल इंडिया, राम प्रकाश यादव, ठीक है, वेरी गुड, क्लासेस बढ़िया लग रहा होगा आई थिंक। 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप किसने दी है, तो याद रखिएगा इसको दिया है यूएसए ने, और यूएसए के बारे में याद रखिएगा, यूएसए के राष्ट्रपति ने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफर किया था असिस्टेंट करने के लिए न्यू दिल्ली को, कोविड-19 जो पेंडेमिक है, ठीक है ना, उसको हेल्प करने के लिए। और यूएस एम्बेसडर हैं इंडिया के केनेथ जस्टर ने ये पहली शिप दी है जनरल आर के जैन को, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ये हैं जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वन द बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2020 एंड अ ग्रांट ऑफ 40,000 यूरोस ऑफ द प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन टू प्रमोट बायोडायवर्सिटी। नाइन्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आंसर। आंसर करिए, करते जाइए आंसर भाई। क्या हाल चाल, स्लाइड लोड नहीं हो रही है, ख्याल रखिए स्लाइड लोड हो जाएगी, ऐसा नहीं लोड होती है, लोड हो जाती है बच्चों, कभी कभी दिक्कत हो जाती है और कोई नई बात है। समझ में आया इसका क्या आंसर है, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर, द डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ज्यादा परेशान कर रहे हैं ना, इसको वनवास ही दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना, आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर भुगना राजेंद्र नाथ, हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, 10th क्वेश्चन का आंसर, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, हेलो निशा, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश का आंसर बताइए, ABCD में कौन सा आंसर होगा। पेटीएम कैश कहां से आ गया, वेरी गुड, पेटीएम कैश भी है लाइन में। हलवा क्वेश्चन ऑफ द डे, वाह बच्चों क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मैं अच्छा एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूं कि एक आध आर्टिकल भी लाया जाए न्यूज़ का, कुछ एक आध आर्टिकल बीच में जो बढ़िया रहा हो 2-3 दिन में, उसको भी लाया जाए यहां पर, 10 मिनट उसका डिस्कशन किया जाए, है ना, ये भी सही तरीका रहेगा बच्चों, इज इट सो। विश्व भूषण हरिचंदन है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है भुगुना, और विश्वभूषण हरिचंदन है गवर्नर। हिंदी एडिटोरियल्स लाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो भी है लाया जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कॉपीराइट इशू, है ना, स्लाइड नहीं आ रही है। देखिए एयरफोर्स का बैच शुरू हो गया है, जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करिए, मैं हम 5 लोगों की टीम, बेस्ट टीम है आपके पास, ठीक है ना, बेस्ट टीम है आपके पास, और वो आपसे
इंटरेक्ट करती रहेगी, क्लास लेती रही। मेरी क्लास 9 बजे होती है डेली। चलिए, कंप्लीट कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी का 7:35 PM, इंडियन ज्योग्राफी का 6 PM क्लास चल रहा है। विच, कौन ट्रांसलेट करना है बेटा? विच कंट्री विल प्रोवाइड लोन ऑफ 200 मिलियन यूरोज? Which country will provide loan of 200 million euros to India to support Delhi's COVID response? किस कंट्री ने सपोर्ट करने का बात किया है कोविड रिस्पॉन्स को, बताइए। लगातार हमारा समर्थन करता है। 11th क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप सभी दे सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत होती है, इफ फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यूज दिस कोड, और प्रॉब्लम होता है तो यहां पर आपको मिलेगा नंबर, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। दाका जी, अंशुल, प्रियांशु, आयुष, हेलो एवरीवन, हाय आयुष, क्या हाल चाल है? देखिए, फ्रांस ने इंडिया को हेल्प करने का किया है और फ्रांस प्रोवाइड कर रहा है 200 मिलियन यूरोस का, लेकिन देखिए ये लोन है, इट्स नॉट ग्रांट। लोन और ग्रांट में क्या अंतर होता है? वट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड ग्रांट? लोन हैज टू बी रिपेड और ग्रांट रिपे नहीं करना होता है। आपको अपने पापा से जो मिलता है वो क्या होता है, लोन होता है या ग्रांट होता है? पापा से जो मिलता है वो ग्रांट होता है, लोन होता है? वो ग्रांट होता है, अनुदान होता है ना? और जो बैंक देता है वो क्या होता है, लोन होता है। तो बैंक वाला अलग है और ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन बाय वेरियस मेजर इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड, 19 जून 2020 WHO हैज वॉर्न्ड अबाउट द डेंजरस फेज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, इतना बड़ा लैंग्वेज करके क्यों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हु इज द DG ऑफ WHO, बताइए। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO सभी लोग बताएंगे, और यहाँ मैं 45 सेकंड का समय दे रहा हूँ, बिकॉज रशियन टैंक, रशियन टैंक, अभी मैंने एक मूवी देखी है T-95, मैंने एक दिन और जिक्र किया था। यस, इसका आंसर देखिए, प्रिंस राजपूत, वेरी गुड, ए दे रहे हैं। चंद्रभान, चंद्रभान यहाँ नहीं देना है। आयुष भाई, यहाँ पर आंसर कमेंट में, डू नॉट आंसर इन कमेंट, डू नॉट आंसर इन कमेंट सेक्शन बच्चों, अन्यथा क्या मिलेगा। हाँ, यहाँ पर नहीं, आप लोग कमेंट में दीजिए यूट्यूब वाले बच्चे। चले ये देखिए, 12वां क्वेश्चन हो गया है। 12th क्वेश्चन के बाद अगला जो है ये देखिए, इसका WHO के टेडरस अधनम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? संघर्ष में यौन हिंसा, जो युद्ध होता है, वायलेंस होता है, उसमें जो है सेक्सुअल वायलेंस जो हो जाते हैं, वो जो है इसका जो है इंटरनेशनल डे कब मनाया गया है ये बताइएगा, कब मनाया जाता है? संघर्ष में यौन हिंसा का उन्मूलन करना चाहिए इसके लिए। चले अमितेश रंजन बता रहे हैं, YouTube वाले भी आंसर करो भाई बच्चों, आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन है। अगर आप डायरेक्ट आना चाहते तो लिंक के थ्रू अनएकेडमी पर भी आ सकते हैं, 14 साल का वनवास मिलेगा अगर आप आंसर करेंगे। ये पहले भी आ चुका है, हाँ आ चुका है, लेकिन ये अलग आ चुका है, अलग तरीके से आया था। बार बार आना चाहिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, 13वें क्वेश्चन का आंसर है 19th जून, ठीक है, जून 3th भी है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जून 2020 को ये बनाया गया सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे 2015 में शुरू किया था, इट वाज स्टार्टेड इन 2015,
ये भी इम्पोर्टेंट बात है, कहीं से क्वेश्चन घुमा के दे देगा। व्हेन वाज इट स्टार्टेड ये पूछ सकता है, ठीक है ना। वर्ल्ड सिकल सेल डे अवेयरनेस डे, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड, कोई भी कमेंट सेक्शन में नहीं बोलेगा भाई, यहाँ पर अनअकैडमी पर कमेंट सेक्शन में नहीं आना चाहिए और यूट्यूब पर कमेंट में ही आना है। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कर लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ जितने भी एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं इन द कमिंग एग्जाम्स सब सही हो जाएगा। आजाद दाओ हेलो करिए यहाँ पर आंसर आप लोग। कल आपका ज्योग्राफी का सेशन है 11 बजे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू ज्योग्राफी या कोई टॉपिक लिया जाए, लेकिन मैंने एमसीक्यू सेशन डाल रखा है तो एमसीक्यू ही लिया जाएगा फिलहाल। नेक्स्ट वीक में कोई स्ट्रेंथ इज मोर देन 50, डोंट वरी फॉर दैट स्ट्रेंथ, आते जाते रहते हैं भाई। आयुष वर्ल्ड का रखेंगे, यस वर्ल्ड का रखेंगे, कोई भी एक सेक्शन रखा जाएगा। वर्ल्ड सिकल सेल डे ये 19 जून को ये भी मनाया जाता है, ठीक है ना। 15th क्वेश्चन, 2008 से शुरू हुआ था ये भी, जनरल असेंबली ने शुरू किया था 2008 से। चले, व्हाट इज द नेम ऑफ यंगेस्ट नोन मैग्नेटार, यंगेस्ट सिकल सेल जो होता है, सिकल सेल क्या होता है बताइए। विक्रांत पूछ रहे हैं, सिकल सेल जो है एनीमिया से लक्षण का होता है, डिजीज होता है। मैग्नेटार, मैग्नेटार जो है ये क्या है, सबसे यंग जो डिस्कवर किया गया है इसका नाम बताइए। ये बहुत न्यूज में रहा है, करेंटली न्यूज में रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बना है यहाँ पर। तमन्ना एंड बाकी सब लोगों का स्वागत है। देखिए अगर आप लोग अनअकैडमी सेशन पर आएंगे तो डायरेक्ट लाइव रहेंगे और लाइव आप आंसर भी कर सकते हैं। प्रिंस राजपूत आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, आंसरिंग करते रहिएगा। कैसी लग रही है प्रिंस, अमितेश क्लास, हाउ इज द क्लास, रैंक चाहिए, रैंक गिर गई, रैंक गिर गई, ये रैंक ऐसी है, दिस द रैंक। यहां पर देखना स्विफ्ट जे 1818 01607 एंडलेस, नहीं सर वही बरकरार है। ओके बहुत बढ़िया, ओके अमितेश। एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ यूएसए बेस स्पेस एजेंसी, नासा का फुल फॉर्म देख ली, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने डिस्कवर किया है यंगेस्ट नोन मैग्नेटार। और ये मैग्नेटार क्या होता है, एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार ही होता है जो 16,000 लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर जानते हैं ना, 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 × 10^12 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, किस संस्थान ने मध्य हिमालय में हर्बल मार्जिनल फार्मर्स के बढ़ाने के लिए हर्बल टेक्निक शुरू किया। अच्छा ये डबल क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं आंसर करिए, फिर भी क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था तो मैं कंफ्यूज हो गया। चलिए आंसर करिए, फिर से आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। कूल झकास बढ़िया है, अभी भी सही नहीं कर रहे हैं लोग, रिपीट क्वेश्चन एक ही क्लास में रिपीट हो गया तब भी नहीं सही कर रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा इनको, 58% गया, क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, घर पे क्या देखें, घर पे क्या देखें। ओ गो, ये रिसर्चर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सत्यभामा पोर्टल एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पोर्टल है, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सत्यभामा पोर्टल, आंसर करिए।
सत्य भामा पोर्टल, हरनाम जी क्या हाल चाल है, आदित्य, नवजोत, हेलो एवरीवन। गलत हो गया, ऐसे कैसे गलत हो गया, गलत ऐसे नहीं करना है बच्चों, वनवास कीजिए। कुणाल शर्मा, वनवास चाहिए क्या, यहाँ पर आंसर करेंगे। विशाल ने ये देखे, इनका फोटो दे दिया, फोटो आना रहता है, सत्यभामा स्कीम के लिए फोटो आ गया हमारे पास। और अभी देखिए कितना लोगों का क्या रैंक है, ये देख लो, हितेश, अभिषेक, शिंदे, सरकार, स्वागतम भाई, ब्लॉक करेंगे, अब ब्लॉक करने का ही बचा है। फेवी पिरावीर, ये आपने नाम सुना है, फेवी पिरावीर क्या है, एक मेडिसिन है जिसे क्लेम किया जाता है कि COVID-19 के हल्के लक्षण वाले जो पेशेंट हैं उनको रिकवर कर देती है। ये कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, आंसर करिए, फेवी पिरावीर। क्वेश्चन कैसा है, महक, मोहक, शानू, लेफ्टिनेंट यशराज, नमस्कार जी, वेलकम टू माय क्लास, आप सभी का स्वागत है भाई बच्चों। 58% ये महाराष्ट्र या दिल्ली में है, ऐसे कैसे है दिल्ली में, ये फोटो आ रही है, रुक जाइए, केएल राहुल भी आ गए, ये कहाँ का है बताओ, कपिल, संगीता सिंह, प्रिंस, अक्षय, सभी लोग आंसर कर रहे हैं यूट्यूब पर भी। सर कब स्कूल खुलेगा, स्कूल खोलने का जल्दी है, ये खुलेगा जुलाई में बच्चों, जुलाई में, 2-3 जुलाई को रिव्यू मीटिंग होगी और फिर खुलेगा। ये देखिए ये दवा है, खाइए और बचिए, फेवी पिरावीर, ये दवा है, किसने बनाया है, इस दवा को बनाया गया है ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, फिलहाल की डेट है, एग्ज़ाम जो डेट है वो रहेगा रहेगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि कहीं से भी कोई भी न्यूज़ मिलती है कि कैंसिल होगा नहीं होगा, तो किसकी न्यूज़ को ऑथेंटिक मानना है, न्यूज़ ऑफ ओनली एंड ओनली कह रहा हूँ मैं, जो हमारे CBSE है या फिर जो भी है कोई भी, कर्नाटका गवर्नमेंट ने मास्क डे कहाँ कब मनाया है, मास्क डे भी मन गया, देख लो भाई एक नया आ गया, मास्क डे, अनिश राज हेलो, मास्क डे, एनडीए नोटिफिकेशन आ गया भाई, एनडीए नोटिफिकेशन कब आ गया, आएगा, आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। 19 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये है कर्नाटका गवर्नमेंट ने मास्क डे कब मनाने का निर्णय किया है। कपिल शिवहरे, एनडीए नोटिफिकेशन आ गया, तैयारी शुरू करो बच्चे, इतना लेट क्यों कर रहे हो। हाय कुंवर प्रताप सिंह, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स का कोई अता पता नहीं, सब जुलाई में यूनिवर्सिटी में, देखिए यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहे हैं। सर 12th का सिलेबस कम होगा क्या, क्यों कम होगा भाई, वाई टू क्यों चाहते हो कम पढ़ना। देखे नंबर 1 पर लड़कियों ने रिया शर्मा, नंबर 2 अक्षय, नंबर 3 यशवी। इस क्वेश्चन का देखिएगा, मास्क डे 18 जून को मनाया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फ्रॉम यूट्यूब, ओके शुभम, कैसा लगा क्लास, हम तो प्रमोट हो गए, ओके, रैंक इंक्रीज, अच्छा रैंक इंक्रीज हो गई या प्रमोट हो गए, ये देखिए क्वेश्चन है, ये कोडुमनल, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड है, कोडुमनल, ये कहाँ पर है, कोडुमनल का पॉइंट है, ये पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कहाँ का है ये प्लेस। साफरोज सैयद, संगीता सिंह, शुभम कैसा लग रहा है क्लास, आप यूट्यूब से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, ओके। रशियन टैंक, एनडीए आपने SSB दिया है, रशियन टैंक, पूरा नाम यार ऐसा नाम देख लीजिए,
हाँ इसीलिए यही क्वेश्चन है। आप एनडीए के लिए सर प्राइवेट ट्यूशन, हाँ प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, प्लस कोर्स में ज्वाइन करिए मेरा प्लस कोर्स, इस कोर्स से ज्वाइन करिएगा सुनील डॉट गुप्ता। और अगर कोई दिक्कत होती है, अवध यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी का पता नहीं है, जुलाई में सब पता चलेगा। हाँ दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग है इसलिए हो रहा है। 9911884748 है मेरा नंबर, किसी को अगर प्लस कोर्स लेने में दिक्कत हो रही मुझे मैसेज करिए, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। कोडुमानल ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है चेन्नई के पास में, तमिलनाडु में, यहाँ पर प्री हिस्टोरिक स्टोन्स मिले हैं और ये एरोड डिस्ट्रिक्ट में है, नोएल नदी के किनारे। नोएल किसकी सहायक है? ट्रिब्यूटरी ऑफ नोएल, ट्रिब्यूटरी नोएल किसकी है? कावेरी की है। अच्छा ये विशाल राजपूत भी बता रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, नहीं यूरोप का एग्जाम, यूरोप का अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, यूरोप का क्लास आएगा बच्चों, जीरो ईयर होगा। ये देखिए सुनील कुमार गुप्ता नाम है, कोड है सुनील डॉट गुप्ता, मैं बता रहा हूँ बच्चों, सुनील डॉट गुप्ता के थ्रू आके आप ज्वाइन करिए क्लासेस। ये प्लस कोर्स में चल रहा है एयरफोर्स का बैच, ज्वाइन करेंगे सभी को देख पाएंगे। राम स्वरूप सर, मैंग सर, बिंदिया मैडम, सुनील, सुमित सर और मैं सुनील सर मिलकर एक बैच चला रहे हैं और बैच में मैं पढ़ाऊंगा जीएस। ये पूरा बैच फीचर्ड एजुकेटेड टॉप है और ये 8 से 11:30 का बैच है, 8 से 11:30 का बैच है, इसी बीच में क्लास होगी बच्चों। जिन्हें भी ज्वाइन करना है प्लस, इस कोर्स से ज्वाइन करिए। अगर नई दिक्कत होती है, ज्वाइन नहीं कर पाते तो मुझे यहाँ पर बताइए, आई विल बी हेल्पिंग। मेरा प्लस चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का 7:35 PM डेली, इंडियन ज्योग्राफी का 6 PM डेली, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, छूट जाएगा नहीं तो सब कुछ। What was the theme for International Day of Yoga 2020? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम बताइए। What was the theme? ये most important question। ये इस बार का योगा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। It's my last chance। इन्हें help करेंगे आदिल। आप plus course ले लीजिएगा। आदिल plus course ले लीजिए। ऑनलाइन है यस कपिल, ऑनलाइन है शिवहरे, ऑनलाइन है बच्चे। आदिल अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे कोर्स से ज्वाइन करिए और दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज करिए, मेरा नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा देखेंगे पॉइंट है इसका, डी ऑप्शन होगा सही। देखिए रैंक आपको सबको मिल गया है, किसी का भी लास्ट चांस है विक्रांत वगैरह का, कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आप इस नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार हूँ। 21 जून को योगा दिवस, छठा है 6th International Day फॉर योगा। भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर इज, और योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, ये था थीम ऑफ दिस ईयर्स योगा। और यूनाइटेड नेशंस का थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, ठीक है ना। तो दो थीम है, यूएन का क्या है और नॉर्मल क्या है, है ना, यूएन और बाकी सबका। मेरा बहुत गलत हुआ, गलत होगा भाई पढ़ोगे नहीं तो। देखिए ये क्वेश्चन आया, सुशांत सिंह राजपूत का नाम जानते हैं ना, सुशांत सिंह राजपूत का नाम जानते हैं कोई, सुशांत राजपूत का नाम जानते हैं क्या बच्चों? आपने सुना है सुशांत सिंह का नाम, क्यों फेमस है? एक्टर है ना, हाल ही में उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। पवित्र रिश्ता, MS धोनी, इतने अच्छे रोल किए तो वो सुसाइड पर क्वेश्चन आ रहा है। IPC 309 है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, लेजेंडर पर्सन है, छिछो छिछोरे, हाँ IPC सेक्शन 309, आत्महत्या करने का प्रयास होता है, कौन सी बातें इसमें सही हैं? ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी में 2 पॉइंट्स, इंग्लिश में 2 पॉइंट्स और हिंदी में 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसके क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यस छिछोरे बताइए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया जाए, सबको बायकॉट कर दीजिए,
जितने भी वो करण जौहर एंड बाकी सबके है, बाइकआउट करिए, सबको बाइकआउट करिए। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। चाइना के साथ ये भी चाइना भेज दो इनको। चले क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए, और ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं अब। बताइए ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा। अमितेश रंजन, यस छिछोरे, एनडीए के लिए बेस्ट बुक, बहुत सारी किताबें हैं, एनसीईआरटी बुक से शुरू करिए। नेपटिज्म नहीं होना चाहिए भाई, भतीजावाद यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए फोटो भी आ गई है यहाँ पर, देखिए फोटो आ गई, हमारे एक बच्चे ने भेज दी है। ये रशियन टैंक कुछ बता रहे हैं, देख लेना बच्चे। एयरफोर्स लवर राव, हेलो सभी वायुसेना के। ये देखिए ये बहुत बड़ा मैसेज है इनका कि एक कलाकार मरा तो पूरा देश दुखी था, हमारे 20 जवान शहीद हुए। फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है भाई, सबको फर्क पड़ा है। नमस्कार हिमांशु। हाँ हलवा ने भेजी है फोटो। देखिए आज जब कोई आत्महत्या का प्रयास करता है, याद रखिएगा, तो उस पर आईपीसी की धारा के 9, लेकिन ये जमानती अपराध है, पहले गैर जमानती था, लेकिन अब इस पर जो है कर दिया गया है। ये पूरा इसका मैटर है, पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, कंट्रेरी टू पॉपुलर परसेप्शन दैट इट हैज बीन रिपील्ड, कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन द स्टैचू बुक एज पर रिपोर्ट इज ऑफन मिस यूज। कहा जाता है कि आईपीसी धारा को खत्म कर दिया गया, लेकिन खत्म नहीं किया गया है, ठीक है ना। विशाल राजपूत, ये एक का नाम याद करना बहुत इजी होता है, और इतना इतना बाइकॉट नेपोटिज्म, यस यस कपिल, इस तरह के नहीं करिए। गाजर कल माउंट मेरापी अभी हाल ही में खबरों में था, माउंट मेरापी अभी खबरों में था, ये कौन से देश का एक एरिया है, माउंट मेरापी आंसर करिए। देखिए कुछ लोग गाजर का हलवा की बात कर रहे हैं। YouTube वालों आप लोग बताना क्लास कैसा लग रहा है, हाउस द क्लास एंड हाउस द जोश। अभी अंशु YouTube से उठ के आ रहे हैं, देखिए बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं, और रॉन्ग एंड रॉन्ग रैंक डिक्रीज हो जाता है भाई, रैंक तो नीचे जाएगा ही जाएगा। YouTube वाले बच्चे मजा आया रहा ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी करंट अफेयर की डेली क्लास नहीं चलती है, करंट अफेयर वीक में 3 दिन है, ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन में है, और ये 3 दिन में 11 बजे सुबह इसी टाइम पर हम मिलते हैं और कुछ एमसीक्यूज पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आपको बाकी जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है यहाँ पर भी मैं लगातार क्लास लेता ही हूँ, लेकिन ये आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पर क्लास होती है कोई ना कोई। हाँ ये बात सही कह रहे हैं आप, रिसेंटली इंडोनेशिया का माउंट मेरापी है, वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में है, वन ऑफ द वर्ल्ड, ये एक ही दिन में 2 बार फूटा था, सेंट्रल जावा के एरिया में है, प्रोविंस में, योगा कार्टा। और देख लीजिए इंडोनेशिया में कंट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड, शेड्यूल 11 बजे, ये जो भी शेड्यूल बताया है सब 11 बजे। हिमांशु सुबह 11 बजे फ्री। हाँ हार्ड क्वेश्चन जानबूझ के लाया गया भाई, जानबूझ के हार्ड क्वेश्चन लाए जाते हैं, इजी क्वेश्चन लाए जाए, भारत की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, चाइना की राजधानी क्या है। देखिए आर डे समिति, एक आर डे, ए आर डे है, ए है, एक नहीं है, ए आर दवे है, ये देखिए ये गड़बड़ हो गया हिंदी में, ए आर दवे, याद रखिए, भारतीय सेनाओं के प्रति सम्मान कभी नहीं कम होगा, ये अलग बात है, सबके सोचने का तरीका, मैं अपना सेवा कर रहा हूं, और सेवा इन द सेंस कर रहा हूं,
बॉर्डर पर जाकर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार होंगे। इसी देश सेवा का जज्बा ही है कि मैं एनडीए और सीडीएस में दो बार तीन बार अप्लाई किया और लगातार जब एसएसबी से छटने लगा तो मैंने सोचा कि अब कहीं ना कहीं अलग जाना चाहिए। नहीं, किसी सोल्जर की जान सस्ती नहीं है। किर्गिस्तान की राजधानी बताइए, राजवीर सिंह ने पूछा है, किर्गिस्तान की राजधानी। 24वां क्वेश्चन पहले बताइए और इधर कोई किर्गिस्तान की राजधानी भी बता देना। आई एम बिगनर मिस्टर द्वैन, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। भेदभाव होता है भाई, ये भेदभाव एक्चुअली हो जाता है, भेदभाव हो जाता है, किया नहीं जाता है। देखिए यहां पर बिश्केक आ गई राजधानी, सम करेंसी छोड़ दे, बिश्केक है, बिश्केक है राजधानी। सभी लोग आंसर दे दे रहे हैं। अभिषेक वर्मा का स्वागत है। ए आर दवे कमेटी, इसका आंसर देखिए, 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या आया, आ गया ए आंसर है इसका। देखिए ये हमारा पवन, देखिए रिया, अक्षय, याश्वी, बहुत अच्छा, श्रुति, विशाल, राजवीर, वर्णिका, प्रणव, पवन, सुमन, देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। देखिए ये देखिएगा, ए आर दवे जो कमेटी है, सेबी का एग्जीक्यूशन सिस्टम है, स्ट्रेंथेंस द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर सेबी। शक्ति प्रताप हेल्लो, क्या हाल चाल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सेबी से रिलेटेड है। सेबी फुल फॉर्म पता है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज जो भारत में टॉप मोस्ट इसका है। रेगुलेटिंग बोर्ड है ये, किसका है, शेयर मार्केट का। नगर जो कुछ क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा था, ये सेबी जो है शेयर मार्केट का जो है रेगुलेटर बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। ये देखिए नोट्स बनाए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, ये नोट्स बनाए जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, बच्चे बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हैं और इसके लिए तारीफ करनी होगी बच्चों की। ये देखिए इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, नीरज ने, और इनके फोन का भी पता चल गया हमें, N9 है ना। चले नेक्स्ट है, ICICI होम फाइनेंस कंपनी, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हैज लॉन्च सरल स्कीम फॉर अ स्पेशल अफोर्डेबल होम लोन फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का क्या है हेडक्वार्टर्स, और हेडक्वार्टर नहीं होता है, हेडक्वार्टर्स होता है, ये गलती आ गया है। देखिए हेडक्वार्टर कभी नहीं लिखा जाता है, हेडक्वार्टर्स लिखा जाता है ना बच्चों, आप सबको पता ही होगा कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय कहाँ पर है। अंशु कुमारी नमस्कार, हाउ टू क्रैक एनडीए, एनडीए को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको एनडीए का दो चीज याद रखिए, पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और उस पर बहुत बढ़िया से काम कर लीजिए। 25वां क्वेश्चन आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। कोरोना टॉपर स्टेट, स्टेट देखिए अभी का रैंक, अभिषेक यादव हेलो, अभी का रैंक अगर देखा जाए, ये रैंक है, ये अभी फिलहाल इतने हैं, अक्षय नंबर 1, रिया नंबर 2 और यशवी नंबर 3, आपके लिए तालियां। और बाकी जो लोग भी यहां पर बच्चे हैं YouTube पर, मेरे बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं YouTube पर भी साथ में हैं, वो भी बहुत बहुत जो है, मुंबई है इसका आंसर, ठीक है ना, मुंबई में। चले इसमें अगला क्वेश्चन लिखिए, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइंड इन 1993, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इस पर न्यूज आता है बहुत, किन देशों के मध्य 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौते पर, ट्रांजिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो हाल ही में न्यूज में आता रहता है। अच्छा एक बात बताना बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाए कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं सोच रहा था इंग्लिश इंग्लिश कर देते हैं,
आप लोग अपने हैट्स मुझे दे सकते हैं? कल एक हैट मिला था बढ़िया सा और अच्छे रंग का था, हरे हरे रंग का था, ऑन ट्रेंडिंग। सुमित पांडे, क्या ट्रेंडिंग है बेटा? ये न्यूज़ में ट्रेंड कर रहा है। 26वां क्वेश्चन का आंसर, हाँ ऋतिक राणा, आपका मिला था हरे रंग का। वाह अमितेश, बहुत अच्छा अमितेश। आप यहाँ पर विशाल, आपका मतलब बात माना गया, आज 27 हुआ है, कल हो सकता है 30 हो जाए। हाँ नीरज, आपने भी दिया था। इंडिया चाइना के बीच में, देखिए इंडिया चाइना के बीच बहुत प्रॉब्लम चल रही है, गलवान एरिया में, गलवान एरिया में चल रहा है, लद्दाख में है ना। तो ये है, 15 भेज दूंगा। ओके ओके, वेरी गुड, तो बढ़ जाएगा। हाल ही में यूएन जनरल असेंबली के 75th सेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? यहीं पर आपको पता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। बताइए, ये आंसर करिए। गलवान रिवर, गलवान रिवर लद्दाख में है, और ये लद्दाख का जो है अक्साई चीन से आता है। ये गलवान रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है श्योक, उसकी सहायक है। जैसे इंडस है, इसमें मानती है श्योक, ये इंडस है और ये श्योक है, और इसमें जाके मिलती है गलवान। ये गलवान रिवर है, और इस गलवान रिवर वैली के एरिया में चाइना ने बहुत बड़े एरिया पर कब्जा कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, यस, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू सर। बी एम आई राइट अमितेश? कौन से क्वेश्चन का? हिंदी में रहना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? हाँ सही है आपका अमितेश। ये देखेंगे आपका ये फाइनल रैंक है, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए रिया, देखिए फाइनल में आके, हाँ गलवान का पिक भी दिया है, फाइनल में आके ये रिया ने टॉप किया। अक्षय नंबर 2, श्रुति नंबर 3, यशु नंबर 4 पर खिसक गए, और लेकिन सबके क्वेश्चन 27 में, 22, 23, 24 हैं। देखिए कम जिसके हैं, आपको बता रहा हूँ, 27 से, 27 में से जिनके भी क्वेश्चन 15 से कम हैं, वो लोग समझ लीजिए यू आर ऑन द बॉर्डर, रिस्क में है। गलवान घाटी, ये देखिए मैप आ रहा है सीधा, ये अच्छा, ये गलवान रिवर का, ये रिवर वैली का फोटो भेजा गया है, गलवान रिवर वैली का फोटो। बर्फीला एरिया है ना। लेट ज्वाइन किए विक्रांत, कोई बात नहीं विशाल। अच्छा बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर कोई एयरफोर्स के लिए, एक्स वाई के लिए ज्वाइन करना चाहता है, ये बैच ज्वाइन करिए। 45 डेज का स्पेशल बैच है एयरफोर्स एक्स वाई प्रिपरेशन के लिए। 22 जून से शुरू हुआ है और 5 अगस्त तक चलेगा लगातार, लगभग ना के बराबर छुट्टी है, ना के बराबर छुट्टी है। यू कैन ज्वाइन इट, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको बता रहा हूं, मेरा कोड यूज करिएगा सुनील डॉट गुप्ता, और इस कोड को यूज करने के बाद 10% की छूट मिलेगी। आर्थिक समस्या अगर है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, हिमांशु शर्मा, आप मुझे इस पर मैसेज करिए। क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ते हैं बेटा, प्लस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। हिमांशु शर्मा यहाँ पर मैसेज करिए, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। एनडीए का स्पेशल क्लास है ये, यस हिमांशु प्लीज मैसेज, आपकी सारी दिक्कतों को दूर किया जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे पढ़ें। देखिए टीम, देखिए बहुत बढ़िया टीम है, टीम देख लीजिएगा। राम स्वरूप सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, मयंक सर टॉप एजुकेटर्स हैं, ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, विद्या मैडम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, सुमित सर रीजनिंग और एरिथमेटिक पढ़ाएंगे, मैं यहाँ पर जीके पढ़ाऊंगा, किसी तरह की कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी आपको। हाँ करंट परसों होगी, मैंने बता दिया भाई बच्चों, एक्सलेंट लगा। तो लगातार मेरी 11 बजे डेली क्लास होगी बच्चों। थैंक यू अमितेश, डेली क्लास में आइए,
11 AM कल ज्योग्राफी की क्लास है, ज्योग्राफी का MCQ सेशन होगा, तब देखना मैं MCQ ज्योग्राफी का 30 ही रखूंगा, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये है, तब आपको रियल ज्योग्राफी पता चलेगी क्वेश्चन से। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये पूरा टीम और उसका कोर्स प्लान है, बैच का टाइमिंग है 8 AM से 11:30 PM, इसी बीच में चलेगा क्लास। मेरी क्लास जो है जनरल स्टडीज की 9 AM चलती है, दो क्लास हो गई, इंडिया का पॉलिटिकल, इंडिया का फिजिकल, सही हो गया, रशियन टैंक। और भाई आप अपना नाम जो है कुछ और रखो, जोकर का फोटो लगा रखा है और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है। तो किसी को दिक्कत होती है आप यहाँ पर मैसेज करिए, आई विल हेल्प यू आउट इन एनी वे। मेरा जो है प्लस कोर्स चल रहा है, देखिए प्लस क्लास चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कोर्स, देखिए 11 जून से शुरू हुआ है और 10 जुलाई को ख़त्म होगा। बहुत टारगेटेड बैच है, अभिषेक बहुत दिन बाद आए भाई, 7:30 PM, 5 PM पर टारगेटेड बैच है। इसमें आपने पढ़ लिया तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का नहीं जाएगा बाहर, NDA के CDS के एग्जाम से, किसी से भी। इंडियन ज्योग्राफी का देखिए, इसीलिए बैक टू बैक क्लास चलती है, इंडियन ज्योग्राफी की 6 PM चलती है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की 7:35 PM चलती है। चाहे पहले 6 से 6 से 7 करते हैं क्लास और फिर 35 मिनट का ब्रेक होता है, फिर जो है 7:35 से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास करते हैं। आज जैसे आप क्लास करेंगे 6 PM पर, तो आज इंडिया की सॉयल सिस्टम को डिस्कस किया जाना है, भारत की मिट्टियों को करना है डिस्कस। मोहित बालाजी वेफर्स, बड़ा भूख लग गया यार, आपने नाम ऐसा रख दिया है। और देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी 7:35 PM पर, किसी को दिक्कत हो बताइएगा। और ये देखिएगा 7:35 PM पर वर्ल्ड ज्योग्राफी जो चल रहा है उसमें हम बहुत अच्छे टॉपिक कर रहे हैं, जैसे आज वोल्केनो का टॉपिक है, आज ज्वालामुखी का टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म को देखेंगे, वोल्केनो क्या है वो देखा जाएगा। फ्री क्लास 11 बजे, देखिए आपको बता रहा हूँ, अभी फिलहाल मेरा 3 लेक्चर चलता है प्लस डेली, 3 लेक्चर प्लस मोहम्मद सैफ, 1 फ्री। इसके बाद टाइम क्या बचेगा बच्चे, अगर आपको कोई दिक्कत होती है मोहम्मद सैफ प्लीज मैसेज मी हियर। मैं केवल क्वेश्चंस नहीं पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन के पीछे का मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, है ना बच्चे। और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए और वहाँ फॉलो करेंगे तो आपको मेरे बहुत सारे लेक्चर्स फ्री वाले दिख ही जाएंगे। विश्वकर्मा रवि, बहुत सारे लाइन से दिखेगा, मैं UPSC पे भी थोड़ा बहुत क्लास लेता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप ढूंढिए, मीनाक्षी कुमारी, विश्वकर्मा रवि, शुभदीप शाह, हेलो सभी का स्वागत है। बच्चों आप लोग बहुत लेट आए हैं, इट्स गोइंग टू बी लास्ट मिनट्स, तो 1 मिनट और बचा है, किसी को कुछ पूछना है पूछिए। एनीवन, आपके क्वेश्चंस में घर छोड़ दिया, ओ गॉड, रशियन टैंक, टैंक चलाई। मीनाक्षी क्या तैयारी कर रहे हैं, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। 1 मिनट का आखिरी समय है, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, YouTube वाले आप भी पूछ सकते हैं बच्चों,